जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है स्पेशली फॉर टू विमेन बटालियंस। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द गुलशन ग्राउंड और आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज के दिन सांबा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं लड़कियाँ ये सारी की सारी। पिछले दो दिन से ये यहाँ पे ड्राइव चल रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी इंथुजियाज़म है इन लड़कियों में। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं और उन 20,000 में से जो एप्लीकेशंस हैं 80% लोगों ने यहाँ रिपोर्ट किया है पिछले दो दिन में। और काफ़ी जिन लड़कियों को हम यहाँ देख रहे हैं उनके अंदर काफ़ी एनर्जी है, भाग रही हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें ये लग रहा हो कि फिज़िकल टेस्ट है और शायद मुश्किल है। हो क्या रहा है एक्चुअली सब आपको दिखाएंगे, लड़कियों से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सोनल राणा है। क्या कहना चाहती हैं, एक ड्राइव की जा रही है सिर्फ वेमेन के लिए, कितनी खुशी की बात? सर अभी के टाइम पे देखा जाए तो सब कहते हैं लड़कियां लड़कों से पीछे है, लेकिन ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें, कि हमें भी एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का कि हम कितने क्षमता है हमारे अंदर देश की सेवा वगैरह करने के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ किसी टाइप की मुश्किल दौड़ में? नहीं सर, अगर एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ देखा जाए तो उन्हें हमसे कम टाइम मिलता है दौड़ने के लिए, फिर भी वो ज़्यादा मीटर्स कंप्लीट करते हैं। हमारे लिए इजी है ये, 1 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में, मुश्किल नहीं है। आगे जाके कैसे, मतलब जॉब में कैसे सर्विस करना चाहेंगी, नेशन को कैसे सर्व करेंगी? सर एज़ इफ मैं एक मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैंने बी फार्मा की है, तो मेरा यही रहेगा कि मैं एज अ मेडिकल फील्ड में ही रहकर जो भी मतलब मेडिकली में जो भी हेल्प कर सकती हूँ, सर्व कर सकती हूँ, वो करूँ। कोई फैमिली बैकग्राउंड है आपकी, घर से कोई और आर्म्ड फोर्सेज में है? यस सर, मेरे जो डैड हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो और जो मेरे छोटे भैया हैं वो भी आर्मी के लिए ही ट्राई कर रहे हैं, दो बार सिलेक्ट हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकल के लास्ट मौके पे रह गए हैं, बट स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं आर्मी में ही जाऊं। कुछ लड़कियां इस जॉब को बड़ा टफ समझती हैं और नहीं आना चाहती, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर यही है कि अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही है। चल बेटा। विदाउट प्रैक्टिस आई थी, बट ये था कि खुद में कॉन्फिडेंस था। उससे पहले गेम्स में भी मैंने काफ़ी कैंप लगाया है, NCC लगाई हुई है, तो थोड़ा था अपने ऊपर, अभी प्राउड फील हो रहा है मेरे को। फैमिली बैकग्राउंड है कोई, घर में और भी है आर्म्ड फोर्स? फैमिली मेरे हस्बैंड मेरे आर्मी मेडिकल कॉप्स में है वो, और पापा आर्मी में है, भाई है वो भी आर्मी में है, पूरी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है, मैं ही हूँ जो मतलब यहाँ तक आना चाहती थी। कैसे नेशन को सर्व करेंगी आगे? अपने से तो यही है कि जो भी है मतलब अच्छे से ही करूँगी, और एकदम बिल्कुल भी डरना कुछ नहीं है, जो भी है सबसे पहले अपना देश है और उसके लिए जो भी हो सकेगा अपने आप से अच्छा ही करूँगी, बेस्ट दूँगी। कुछ लड़कियों को लगता है कि पुलिस की नौकरी मुश्किल है इसलिए नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कॉन्फिडेंस हो तो गर्ल्स क्या कुछ अचीव नहीं कर सकती। आजकल तो गर्ल्स फर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ कर रहे हैं और गर्ल्स पीछे रह रही हैं, तो आई थिंक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है पहले। सब बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत आके, और मेरा ये स्टार्टिंग से एम था कि मैं वेल फोर्स में जाऊँ, मेरे को ये सिविल वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और अभी मेरा यहाँ पे हो गया अगले यहाँ तक, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये महिलाओं के लिए ये भर्ती कर रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मैं इस फील्ड के लिए आई हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबसे आगे पहले मैं लड़कियों के लिए काम करूंगी कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आगे हों, लड़कों से भी आगे हों, और उनके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाले। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबसे पहले तो रनिंग का, रनिंग निकल गई, सब कुछ क्लियर हो गया, सब अच्छा लग रहा है, बस एक रिटर्न की टेंशन हो रही है, रिटर्न निकल जाए तो सब अच्छा है बस। नहीं सर, फील्ड में ये था कि मैं आर्मी फील्ड में जाऊं या पुलिस फील्ड में जाऊं, बट आर्मी में मैंने ट्राई किया था, CDS का एग्ज़ाम दिया था, बट वो क्लियर नहीं हुआ मेरा, इसलिए अब मैंने पंजाब पुलिस भी ट्राई किया था, उसमें हाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अभी JNK में अच्छा गया,
सब अच्छा है अभी तक तो, बस रिटर्न की अटेंशन रिटर्न निकल जाए तो सब अच्छा है। फैमिली में कोई भी नहीं ऐसा बोलता कि यार आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई मेरे को भेजा है, मेरी फैमिली ने मेरे पे प्राउड है इसलिए मेरे को भेजा है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात करते हैं जो वो अगले पिछले फैमिली वाले हैं वही उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना माइंड सेटअप होना चाहिए, कोई भी फील्ड हो अच्छी है। और मैंने पहले भी पैंटी में करी हुई थी सांबा में, तो उसमें मैं डिस्क्वालीफाइड हुई थी, तो मैंने सोच रखा था कि मैंने करना ही करना, अभी इसमें मैं मतलब कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आगे भी मैं पहुँच सकूँ। इसमें हो जाएंगे आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आगे भी पहुँच जाएंगे किसी और पोस्ट पर भी मतलब। हाँ जी हैं, मेरे भैया हैं बड़े आर्मी में हैं वो, तो इसलिए उनको देख के मतलब कि होता है कि मैं भी बनूँ, तो छोटे भाई भी उन्होंने भी देखी हुई है, मतलब कि हम सोचते हैं कि तीनों बनना चाहें एक जैसे। तो कैसे देश को कंट्रीब्यूट करोगे अगर सिलेक्ट हो जाती हो तो? मतलब कि एकदम ऐसे कि कोई ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से करेंगे काम, जो भी होगा ईमानदारी से होगा। एक तरफ पुलिस काफ़ी खुश दिखाई दे रही है कि उनकी इस ड्राइव को मैसिव रिस्पांस मिल रहा है, वहीं जिन लड़कियों से हमने बात की वो भी काफ़ी खुश थी कि ऐसा उन्हें मौका मिला है, एंड थ्रू दिस दे विल गेट टू सर्व द नेशन।